नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ हैवी बॉडी मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड अनदर स्मॉल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट अंडर गो एन इलास्टिक कोलिजन इलास्टिक कोलिजन का मतलब हो गया ई e की वैल्यू वन uh, सवाल है द लेटर विल मूव विद द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड पार्टिकल जो आपका स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी हमें बतानी है क्या होगा ऑप्शन है ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड सिक्सटी फोर्टी या फिर जीरो नाउ स्नैरियो ये है कि यह आपका एक बिग ब्लॉक जिसका मास एम वन और चलो पहले जनरल केस बनाते हैं ये आपका मास एम टू दोनों की मान लो वेलोसिटी यू वन है इसकी वेलोसिटी यू टू है उन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ उसके बाद ये पार्टिकल आपका एम वन मास यहाँ पे वी वन वेलोसिटी से और एम टू मास यहाँ पे आपका वी टू वेलोसिटी से आगे बढ़ा है ना इस केस में जो आपकी हम लिखते हैं हमें बताना है, सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी सो so, अपना जो पावरफुल फॉर्मूला है जो हमने डिराइव किया हुआ है थ्योरी में उसको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं तो वी टू विल बी इक्वल टू वन प्लस ई यू सी ओ एम माइनस ई यू टू इस फॉर्मूले को डायरेक्टली हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं नाउ इस केस में हमें ये कहा हुआ है क्या आपका m1 जो है दैट इज़ मच मच हायर देन आपका m2 यानी कि अगर ये 100 किलो का है तो ये आपका 100 ग्राम का होएगा या एक किलोग्राम का होएगा सो so आपका वो रेशो है इस केस में दिस इंप्लाइज एंड आपका e की वैल्यू वन दे रखी है और दिस इंप्लाइज आपका यू सी ओ एम जो है सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी ये तो एनी वे रेस्ट पे है uh, उसकी वैल्यू आपकी यू वन आ जाएगी जो इसकी वेलोसिटी थी राइट सो right? so आपका जो वी टू बनेगा आपका वी टू दैट विल बी इक्वल टू वन प्लस ये आपका आ जाएगा वन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई यू वन माइनस यू टू अलग ई की वैल्यू वन है सो मल्टीप्लाइड बाई वन यानी कि जो आपका वी टू है उसकी वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस यू वन माइनस यू टू ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे डिराइव कर सकते हैं ना अब इस क्वेश्चन uh, के लिए हम डेटा फिट इन कर देते हैं तो अपनी फाइनल वैल्यू आ जाएगी तो इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है वी टू जो आएगा इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाई यू वन की वैल्यू अपने को ट्वेंटी दी हुई है और माइनस जीरो बिकॉज यू टू आपका रेस्ट पे था तो ये इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी बिकॉज ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था हालांकि right, तो आपकी जो वी टू है उसकी वैल्यू आ गई फोर्टी मीटर पर सेकेंड सो दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर टू फोर्टी मीटर पर सेकेंड वुड बी द राइट आंसर आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया